आधार कार्ड बैंक का भी एक फोटो ये आपकी है ममदाज जी में फोन कर रहा हूँ ममदाज आ रहे हैं फोन दिया नत्तर कौन है बी नत्तर अंदर निकाल के रख ਬੀ ਨਤਰ ਮੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਤੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜੀ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆਪਕਾ ਮਾਰੂ ਸੇ ਸਰ ਮਾਰੂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਰ ਸੇ ਮੈਂਟਰ ਸੇ ਸਰ ਆਪ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪ ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਬਦੁੱਲਾਹ विदास नाम क्या नाम है और मैंने पिछली कौन कौन है सर ये सारे पीछे आप भी क्या नाम है अच्छा कहाँ से कहाँ से कहाँ से बाटा टू आप भी मैं पिछले क्या स्कूटी वाले को तो लेके तस्वीर हसन शाह चलो मुबारक एक मिनट थले करो आमीन आते एक मिनट बंदा अंदर का खींचो खींचो आले साहब क्या मैं एक्सीलेटर एक्सीलेटर ना रुक रुक रेस 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 बंद कर दो बंद कर हेलो भैया भैया बस दो सर 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 देखें बढ़िया है सारी जावेद इकबाल नहीं एक मिनट जावेद जावेद इकबाल आया जावेद नहीं इसमें स्टेट रिहैबिलिटेशन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिफरेंशली एबल लोग हैं उनको स्कूटी दी गई इसमें 15 जो लोकोमोटिव डिसेबल्ड थे उनको यहाँ पर स्कूटी दी गई ये जो है ये 5 पर कॉन्स्टिटेंसी जो हमारे देन ऑनरेबल लेजिस्लेटर थे ऑनरेबल MLAs थे उनके द्वारा ये बेनिफिशरी जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे और उनको आज यहाँ पर जो है ये स्कूटी दी गई और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का ये काम करेगा और उनको भी और ज़्यादा जो है एक हौसला अफजाई होती है कि किस टाइप से वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस टाइप से ये हमारे जो है गवर्नमेंट से हमेशा ये कोशिश है कि किस टाइप से जो भी जो डिसेबल्ड हैं जो भी डिफरेंशली एबल्ड लोग हैं दिव्यांग हैं जो भी उनको किस टाइप से जो है मैक्सिमम सुविधाएं दी जा सके तो स्टेट रिहैबिलिटेशन काउंसिल की तरफ से डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें स्कॉलरशिप भी इन्वॉल्व रहती है पेंशन भी इन्वॉल्व रहती है तो उसी की एक कड़ी के तौर पर ये आज स्कूटी भी दी गई है और इस टाइप से गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा कोशिश रहेगी कि इस टाइप से और भी एक्टिविटी हों जिसमें इस टाइप से जो है उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाए दर्शकों की बहुत हमको मदद मिल रही है सर बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट की सरकार से भी और डीसी साहब से भी बहुत बहुत जो बाकी हमारे भाई बच के उनको भी मिल लीजिए जल्द क्योंकि बहुत सोचा है हम चल नहीं सकते थे तो हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा है सर आगे जो बच के हैं उनके बारे में सोचना सर मैं डिस्ट्रिक्ट अफसर का भी और डीसी साहब का और जितने सोशल वेलफेयर दफ्तर है जो सुनकोट से यहाँ तक हमें बचाया तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने बंदे और मजबूर हैं उनको भी ऐसे इसी चीज़ से नवाजा जाए तो हमारे लिए इतना काफ़ी है सबके लिए शुक्रिया जी बताएंगे आज जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जी हम बहुत मजबूर आदमी थे काम करने नहीं कर सकते थे और इन सोशल वेलफेयर वालों का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमको दिया सहारे के लिए और जो हमारे भाई कुछ रह चुके हैं उनको भी मिलनी चाहिए मैं बहुत खुश हूँ डीसी साहब पे और सोशल वेलफेयर के जो ऑफिसर हैं उन पे
क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो आप ये जो स्कूटी है, मैं स्कूल भी जा सकती हूँ, हर जगह जा सकती हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ फाइनल ईयर में हूँ, अभी एडमिशन लेने का ख्याल है। मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो लोगों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। इससे पहले तो हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में भी सोचा और इतनी बड़ी रेफरेंस दी साहब का। और बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हैंडीकैप के आदमी की हेल्प करते हैं, और हमारे महकमे सोशल वेलफेयर ऑफिसर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अपनी सरकार का भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया।